दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे YouTube चैनल नॉर्थ इंडिया ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद जो हूँ वो वीडियो बना रहा हूँ, और आज हम आपको बताएंगे कि सेब की जो सेटिंग है ओले जो गिरे थे उसके बाद क्या कंडीशन रही होगी सेब की, वो भी बताएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सेब की सेटिंग हुई है। इस बार हमारे कुछ एक पौधों में बहुत अच्छी जो है वो सेटिंग हुई है। इस बार साइज भी अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा सा ओला गिर चुका है। देखते हैं, अभी तो छोटे हैं लेकिन रिकवर हो जाएगा ये घाव भी जल्दी ही। देखते हैं क्या बनता है। ये पेड़ घर के पास ही लगाया हमने, वैरायटी है रेड ब्लॉक्स। ये देखिए दोस्तों, ये हीर इसे लोकल भाषा में हमारे बोलते हैं, और ये पौष्टिक चीज़ है, बिना खाद की ऑर्गेनिक चीज़ है। ये जो फ्रूट है आजकल पका हुआ है, इसे हम खाते हैं और ये बहुत टेस्टी होता है, मीठा होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए आजकल। ये देखिए हीर, ये इसके पत्ते, लेकिन इसमें कांटे होते हैं इसके पेड़ में, नेचुरली जंगल में लगता है ये। साथ में मोर बगीचे में आए हुए हैं, पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं मोर की। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे जुकनी के पेड़, अरे ये रूट की पाल्टियाँ, ये हमने रूट लगाया है, और इसमें जो खाली स्पेस बच गया था उसमें हमने लगाई है जुकुनी, लेकिन इसमें घास पड़ गया है जुकुनी। ये रूट के मदर प्लांट, ये देखिए कुछ जो है बड़े भी हो गए हैं ये मदर प्लांट रूट का, रूट अच्छा चला हुआ है कुछ हवा में। ये रूट की स्थिति, एक दो मेरे खराब भी हो गए थे इधर रूट के प्लांट। देखते हैं क्या बनता है। और ये देखिए सेब के छोटे छोटे पेड़ है, लेकिन इस बार ये पिछले बार इन्होंने फसल दी थी, इस बार ये थोड़े खाली चल रहे हैं। यहाँ पर इतने इतने बड़े भी हो गए हैं दाने। ये कुछ एक जगह में ये इस तरह के भी हो गए, ये टाइड मैन है। ये हमने यहाँ पे कलम ग्राफ्ट की थी, ये देखिए इतनी बड़ी हो गई है, ये साइज है। कुछ एक जगह में टाइड मैन भी अच्छा है, टाइट मैन। इस बार फसल तो कम है सेब की, लेकिन ये गाला की कलम, हमने यहाँ पे गाला की कलम की थी पेड़ों में ही। ये देखिए ये है गाला, रेड लम गाला। ये देखिए पतला दाना है, जाके कहीं कहीं दूर दूर लगे हुए हैं दाने, इस बार हल्का दाना है उतना अच्छा। सुने ये भी एक कलम है, ये भी एक कलम है, इधर भी एक कलम है, इसके बाद एक कलम इधर जाके है। ये हमने थोड़ी थोड़ी बीच में इसमें कलमें भी की हुई है। ये देखिए दोस्तों, पेड़ों में ग्रोथ तो अच्छी है। ये हमने इसमें कलमें की हुई हैं, बीच में सब्जियां लगाई हैं, मिश्रित खेती भी की है, सेब भी है, ऊपर से जुकनी भी है, बीच में बीन्स भी लगा है, जो ग्रीन बीन्स हैं वो भी लगाए, क्योंकि इस बार हमारे पास फसल नहीं है तो हमने बीन बीज दिए इसमें। बीन जब तक निकलेंगे तक देखते हैं क्या बनता है इसका। कल हमने इसमें फंजीसाइड किया था डोडिन, क्योंकि थोड़ा सा पत्ते भी अब थोड़े मेरे को लग रहा था कि वीक ना पड़ जाएं, तो पत्तों को बचाना ज़रूरी था, हमने डोडिन मार दिया। ओला आया था तो उसके लिए हमने टॉनिक की, उसके बाद इसमें
टॉनिक के साथ। ये देखिए अब इसके क्या ही बोले, इसको सारा घास ही घास हो गया है, इसको निकालना पड़ेगा कभी बीच बीच में। और सेब कम है इस बार का, सेब उतना नहीं है हमारे पास जहाँ पर होगा। इस पेड़ में थोड़ा ठीक सेब है, इसमें थोड़ी सी सेटिंग जो है वो हुई है इस बड़े पेड़ में, क्योंकि इसमें साथ में ऊपर ये देखिए इसमें ऊपर तक गाला है, साथ में गाला ने इसको बचा दिया। और थोड़े से ऊपर है धनी, इसमें एक ये भी गाला है, गाला ठीक चला हुआ था। वो गाला के साथ साथ वैसे पतले हैं दाने, लेकिन साइज अच्छा होगा, दाने हैं बढ़िया है जिसमें दाना लगा। ये देखिए टीरेक्स गाला, कई बार टीरेक्स गाला बढ़िया आया, लेकिन मेरे वाला भी पता नहीं सैंपलिंग में तो आया नहीं। इस बार सैंपलिंग आ गई होती तो हम भी बता देते कि भाई कैसा गाला आया है। ये इस तरह पे चला है, एक दो दो दाने हैं कहीं जाके इस पेड़ में ऊपर हाइट में, इसमें थोड़े से दाने लगे हुए हैं कि थोड़ा खाली खाली चला हुआ है कार्यक्रम, इसमें भी कमी है दाने इस पेड़ में। ठीक रहते पेड़ में ग्रोथ आ जाएगा, उससे आगे क्या चाहिए हमारे को इस बार, क्योंकि पेड़ होगा तो सब कुछ होगा, जब पेड़ ही नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे हम।